करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हम सबके मसीहा नारी के मुक्तिदाता, इस बहुजन समाज के भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, इस बहुजन समाज में जन्मे उन संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किया, उन सब संत महान पुरुषों को इस मंच से नमन करते हुए, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पैरियार रामास्वामी नायकर, संत कबीर साहब, संत रविदास जी, माता सावित्री बाई फुले, माता रमाबाई और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब को इस कार्यक्रम के माध्यम से कोटि कोटि नमन करते हुए, मंच पर आसीन हमारे दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई माननीय सी एस भंडारी साहब, और आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बड़े भाई करण सिंह जी, इस पटपड़गंज क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष फूल सिंह बौद्ध जी, और मंच पे सभी सम्मानित, मेरे सभी का नाम लूंगा तो मेरा समय इसी बात में होगा, हमारे बीच में एकमात्र हम सबकी चहेती नेता जुगनू संजय चौधरी जी और कुलदीप जी जो अभी अभी चले गए हैं, इन सब का सम्मान करते हुए मंच के सामने बैठे हुए मेरी माताएं बहनें मेरे युवा साथियों, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। साथियों, आज हमारे क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में बहुत ही एक विशाल परम पूज्य बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष में जो झांकियों का कार्यक्रम हुआ, उसमें जिन साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं उन सबको और इन समस्त पदाधिकारियों को तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। आप जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें साथियों। साथियों, आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सभी बैठी हैं, सिर्फ आप यहाँ से एक प्रण लेके उठे कि आखिर हमारा मसीहा कौन है, आखिर हमारा भगवान कौन है। यदि ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर हमारे घरों से जो दुख तकलीफें हैं और परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने का हमारा सपना साकार होगा। मैं दो लाइन बाबा साहब के लिए पढ़ूंगा, उसी में आपके लिए सब कुछ संक्षिप्त में मिलेगा कि दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर, इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अंबेडकर, इस देश की नारियों के मुक्ति दाता थे अंबेडकर, इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अंबेडकर। मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अंबेडकर, भगवान थे अंबेडकर। इसलिए आप सब जानते हो कि आज आप लोगों के जीवन में जो खुशहाली है, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बन रहे, आपके घर में घोड़ा गाड़ी बंगला, आज सब कुछ जो खुशहाली है वो किसी और देवी देवता की देन नहीं है, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इसलिए आपको साकार तभी होगा बाबा साहब का सपना जब अपने घरों में बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आप फॉलो करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हमने अभी त्रिशरण हमारे माननीय करण सिंह साहब ने हमें दिलवाया, उसमें कहा बुद्ध धर्म और संघ, इन तीनों की शरण में जाना है, और परम पूज्य बाबा साहब ने भी हमें तीन मूल मंत्र दिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब सवाल यह है कि ये हमने कहां करना है, ये कैसे साकार होगा, इसी बात पर फोकस करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। दुनिया के अंदर तीन ऐसे मंदिर हैं जहां से हमारी दुख तकलीफें दूर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे समाज को ये मंदिरों के चक्कर में बहुत अंधविश्वास पाखंडवाद में है, तो आपको कौन से मंदिर में प्रवेश करना है। नंबर वन, सबसे पहले हमारा किसी भी जाति धर्म बिरादरी का बच्चा है, चाहे वो अमीर है गरीब है, यदि दुनिया का सबसे बड़ा कोई मंदिर है
तो वो शिक्षा का मंदिर है जिसे विद्यालय कहते हैं। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को हर हालत में विद्यालय स्कूल भेजिए और पढ़ लिख करके उनको योग्य बनाइए। तो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र पूरा होगा, शिक्षित बनो। उसके बाद यदि दूसरा कोई मंदिर है, जब मैं ये कहता हूँ बार बार मंचों से बात आती है कि राम रहीम को मानने वाले अपने को हिंदू कहलाते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाले अपने को मुस्लिम कहलाते हैं, ईसा मसीह को मानने वाले अपने को ईसाई कहलाते हैं, गुरु नानक को मानने वाले जब अपने को सिख कहलाते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध को मानने वाले अपने को बुद्धिस्ट या अंबेडकरवादी क्यों नहीं कहलाते हैं। साथियों, आज से आप लोगों को यह प्रण लेना है कि हमें अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट बनना है। और इसके लिए दूसरा मंदिर कहाँ है, आपको बुद्ध विहारों में प्रवेश करना पड़ेगा, आपको अंबेडकर भवन पानी देना, आपको अंबेडकर भवन और बुद्ध विहारों में अवश्य प्रवेश करना होगा। हमारा मंदिर है तो वो बुद्ध विहार है और अंबेडकर भवन है साथियों। और तीसरा मंदिर, मैं इस बात को कहते हुए, मुझे समय का ध्यान है, अभी मेरे भाई कुलदीप जो मेरे शिष्य रहे हैं उन्होंने अभी कहा, मेरे विजेंद्र भाई भी कह रहे थे कि बिना राजनीति बिना शासन सत्ता के भी कुछ नहीं होता है। तो तीसरा मंदिर, साथियों, तीसरा मंदिर बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। जब तक हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग इस शासन सत्ता रूपी मंदिर यानी पार्लियामेंट पे कब्जा नहीं करेंगे, स्टेटों की विधानसभाओं पे कब्जा नहीं करेंगे, जब तक बहुजन समाज के लोग इस देश के पीएम सीएम नहीं बनेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है साथियों। इसलिए हमें उस पार्लियामेंट रूपी जो शासन सत्ता का मंदिर है उस पर कब्जा करना है। और उसमें भी कैसे लोगों का कब्जा होना चाहिए, जो लोग अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म की बात तो करते हैं लेकिन एमपी एमएलए बनने के बाद वो कहीं दूसरे पिछलग्गू बनते हैं, वो अपने संस्कार अपने अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म को भूल जाते हैं। और ये आप जानते हो, क्षेत्र से भी जानते हो। इसलिए हमें ऐसे मिशनरी लोगों की जरूरत है जो अपने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के हों। लास्ट में मैं दो लाइन बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर बाबा भीम ना होते, इसी में आपको संदेश मिलेगा, अगर बाबा भीम ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी लगाते झाड़ू, साथियों हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर मेरे बाबा भीम ना होते। दूसरा, अगर साहब कांसी राम ना होते, अगर साहब कांसी राम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांसी राम ना होते। और उन्होंने जो संदेश दिया, क्योंकि आज एकजुट होने की जरूरत है, पूरे समाज को एकजुट होना है, उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, मनुवादियों का शासन चल रहा है ना, तो साहब ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा साकार ना होता तो उत्तर प्रदेश की चार चार बार बहन जी सीएम ना बन पाती। और साथियों, ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर उत्तर प्रदेश की चार चार बार बहन जी सीएम न बनती तो आज हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो या दिल्ली हो या लखनऊ हो, आज बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा ना होता। और अगर अगर बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा ना होता तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास का भी ज्ञान ना होता। इसलिए साथियों, शासन सत्ता जरूरी है। जब इस देश में सम्राट अशोक का शासन था तो ये देश बौद्धमय हुआ था, और जब उत्तर प्रदेश की चार चार बार सीएम बहन जी बनी तो पूरा उत्तर प्रदेश बौद्धमय हो गया। इसलिए एक बैनर तले आपको आने की जरूरत है, और 2019 में बहन कुमारी मायावती जी को इस
दिल्ली की गद्दी पर बिठा दो, इस देश का पीएम बना दो, हम आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय साथियों।